दोस्तों अभी हमको सिर्फ महामृत्युंजय मंत्र याद आ रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं याद आ रहा है। सच बताऊँ तो कहाँ फटी पड़ी है, क्योंकि भाई साहब पहली बार ऐसा हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं अपने लाइफ में। सामने कुछ है, देख लीजिए यार, सामने है कुछ, कोई ना कोई जानवर तो है सामने, देख आपको दिखा रहा आगे। हाँ वो आगे में सर, वो चमक रहा है ना। हाँ नहीं, यहाँ पे भी टाइगर ज़्यादा चांसेस रहते सर, यहाँ पे। अच्छा अरे भाई, आगे कोई जानवर है क्या? कहाँ पे? वहाँ कुछ लग रहा है, वहाँ कुछ लग रहा है, देखो तो यहाँ पे देखिए कुछ है। ये मेरे दादाजी को पकड़ा था टाइगर पकड़ लिया था। हाँ वो एक्चुअली में क्या हुआ, दादाजी का वो उस समय मतलब हम उस समय हम लोग के पास भैंस थी, भैंस समझ रहे ना अपना। हाँ ये गांव जो है ये टाइगरों से ग्रसित है, टाइगर यहाँ पर रोड पे ही आ जाते हैं, जानवरों को उठाकर ले जाते हैं घींच के। यहाँ पर मेन रोड से एंटर किया है ना, उसके अंदर आने की एक हिम्मत नहीं पड़ती है, गड़बड़ी गाँव हम लोग जा सके रात में। जय हिंद दोस्तों, हम पहुंच गए हैं बांधवगढ़, और आज हम इस व्लॉग में बांधवगढ़ में नाइट सफारी करने वाले हैं। और नाइट सफारी मतलब मैं सफारी से नहीं जाने वाला हूँ, वो भी बाइक से मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ बांधवगढ़ जंगल सफारी को। और इसमें मदद करने वाले हैं हमारे बांधवगढ़ से ही भाई साहब। भाई अपना नाम बताओ। मोनू यादव। मोनू यादव, और मोनू यादव जी ये काम करते हैं इस रिसोर्ट का क्या नाम है? जंगल पैलेस। जंगल पैलेस, जंगल पैलेस रिसोर्ट में मोनू यादव जी काम करते हैं, और इनका गांव पड़ता है खेतौली गेट। खेतौली गेट में जी, खेतौली गेट में इनका गांव पड़ता है, जो जंगल होते हुए है, जहां पर टाइगर सेटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है आप डे में भी करोगे तो, और नाइट में आपको रोड पर टाइगर मिल जाते हैं। तो काफ़ी ये व्लॉग जो है वो थ्रिलर और सस्पेंस से भरा होने वाला है, क्योंकि मैं नाइट सफारी का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने वाला हूँ और आपको भी करवाने वाला हूँ। और ये शुभम भाई का रिसोर्ट है जो काफ़ी ज़बरदस्त है, आप देख रहे हो पीछे से व्यू, देखिए रिसोर्ट का काफ़ी शानदार ये रिसोर्ट है। और इनका रिसोर्ट का मैं नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप कांटेक्ट भी कर सकते हो डायरेक्टली आप बांधवगढ़ नेशनल पार्क एक्सप्लोर करने आ रहे हैं तो। ये ताला जोन ये आप देख रहे हो मार्केट, ये एरिया का नाम ताला है, ये मार्केट है पूरा मार्केट, और यहीं पर आगे टिकट काउंटर भी है बांधवगढ़ नेशनल पार्क का। काला जोन हर जोन का वहीं से टिकट होता है, तत्काल का भी या फिर आप ऑनलाइन भी टिकट कर रहे हो तो वहीं पर आकर आपको जिप्सी के लिए अलग से पेमेंट करके आपको बुक करना पड़ता है और निकलवाना पड़ता है टिकट। और खितौली जोन होते हुए गढ़पुरी गांव में हम एंटर करेंगे, जहां अक्सर आपको टाइगर दिख जाते हैं। और रास्ते में ही, क्योंकि खितौली जोन बांधवगढ़ नेशनल पार्क का कूल जोन है, तो रास्ते में ही टाइगर साइटिंग का चांसेस मैक्सिमम रहता है। यार मोनू, टाइगर जैसे सामने आ जाता है तो क्या करते हो? मतलब अपन कुछ नहीं करना पड़ता है। हाँ? टाइगर सामने अपने बाइक के सामने आ गया है। हाँ? अपन को लाइट बंद नहीं करना है। हाँ? स्पीड ज्यादा नहीं देना है। हाँ? और गाड़ी आगे नहीं बढ़ाना है। हाँ? अगर टाइगर हमारी तरफ निहार रहा है ना, हाँ? उसके तरफ कंटिन्यू देखना है, उसके तरफ कंटिन्यू देखना है। हाँ, टाइगर कुछ नहीं करेगा, अगर अपन कुछ नहीं करेंगे तो टाइगर अपन देखेगा, वो समझ जाएगा नहीं ये लोग मतलब गाँव के ही है, वो जा रहे हैं कहीं ना कहीं, टाइगर के पास भी दिमाग कुछ होता ही है, ऐसा समझते है क्या ही गाँव के है। अच्छा, टाइगर फिर निकल जाता है, वो कुछ नहीं करता। मैं तो आज बहुत बार ऐसे कुछ हुआ, कहते मैं तो मम्मी तबियत खराब हो गई। हाँ हाँ, तो मुझे जाना पड़ जाता रहा घर। अच्छा, रात को 12 बज गए तो यहाँ पे अपन मतलब वो सुनने के लिए रात में आते हैं टाइगर? नहीं, हम लोग आते हैं। अच्छा, ताकि जो जंगली जानवर रहते हैं खेत हाँ, तो में नुकसान न करे। हाँ हाँ जी, अभी चल रहा है हम लोग का गाँव गढ़पुरी। अच्छा, इसलिए अब नहीं आते खेती करने, फॉरेस्ट वाले ने मना कर दिया कि खेती मत करो यहाँ पे। अच्छा जी, तो आप लोग को फिर उसके जगह पे कहीं और जगह मिला हुआ है या फिर पैसा मिला होगा? वो मुआवजा दिया है 15 लाख रुपए हर एक लोग का, हर घर का, हर घर का, मतलब हर घर का नहीं, जैसे अपने घर में हम 3 लोग हैं, हर एक मेंबर का, हर एक मेंबर का 15 लाख रुपए। तो दोस्तों अभी हम है बांधवगढ़ नेशनल पार्क के अंदर, और अभी हम नाइट सफारी ले रहे हैं और गढ़पुरी गाँव के अंदर जा रहे हैं, जो खितौली गेट के होते हुए, खितौली गेट मतलब
बांधवगढ़ नेशनल पार्क का खितौली जोन कोर जोन आता है जिसमें टाइगर बहुत ही ज़्यादा है। और खितौली जोन होते हुए हम गढ़पुरी भी नहीं चल रहे हैं और हमको ले चल रहे हैं मोनू भाई जो गढ़पुरी गांव के ही रहने वाले हैं। तो फिर रात के 10 बज रहे हैं और रिस्क भी है, ऐसा होता है कि टाइगर बिल्कुल सामने आ जाता है तो अब कहाँ से टाइगर आ जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। कल ये बताओ मनु भाई, टाइगर के अलावा और भी कोई जानवर दिखते हैं? हाँ, टाइगर हिरण हो गया, लेपर्ड हो गए, लेपर्ड भी दिख जाते हैं, लेपर्ड भी दिखते हैं रोड पे। हाँ, और जंगली हाथी भी हैं, एलिफेंट। लाइफ में हम अपने पहली बार नाइट सफारी एक तरह से ले रहे हैं और ये काफी यूनिक एक्सपीरियंस हो रहा है और आप देख ही रहे हो काफी सस्पेंस से भरा हुआ ये सफर हमारा अभी चल रहा है बांधवगढ़ नेशनल पार्क के अंदर। खितौलीगढ़ के पास हम आ गए हैं। हाँ, अभी दोस्तों देख रहे हो खितौलीगढ़ यहाँ लिखा हुआ, यहाँ से मिंटर कर जाएंगे अंदर को। इतना डेंस है, टाइगर यार बैठा रहेगा तब तो दिक्कत हो जा सकता है ना। नहीं, बैठे रहेगा अगर वो ना, अपन को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो उठ के कभी नहीं आएगा। अगर हाँ, अगर उसके कारण हम लाइट घुमा के गाड़ी पीछे मतलब स्लेटर घुमा दी, अपन स्लेटर तेज ले लिए तो अटैक कर सकता है। अच्छा, बाकी अगर बैठा है वो, अगर हमने उसको कुछ नहीं किया तो टाइगर भी कुछ नहीं करेगा। और टाइगर एक बाइक मतलब आता है अगर वॉक करता है जी जी, तो क्या स्पीड बढ़ा देते हो गाड़ी की? हाँ हाँ, अगर मान लीजिए अपन चल रहे हैं, हाँ, अगर टाइगर अचानक सामने आ गया, हाँ, और टाइगर आ करके पीछे हट गया, अगर पीछे मतलब बाहर करना चाह रहा हो, अगर आपने गाड़ी स्पीड कर ली, टाइगर अपने आप फिर लौट जाएगा और समझ जाता है कि ये बंदा डर गया है। और ये बताओ अगर आगे से मौक करे तो? नहीं, आगे से मौक तो नहीं करेगा। मेरे दादाजी को पकड़ा था टाइगर पकड़ लिया था। हाँ, वो एक्चुअली में क्या हुआ, दादाजी मतलब वो उस समय मतलब उस समय हम लोग के पास भैंस थी, भैंस समझ रहे ना अपना। हाँ, उस समय दादाजी को टाइगर पकड़ लिया था। हाँ, वो पूरा मतलब यहाँ का जो ये था ना, जो ये वो होता मुँह होता पूरा, हाँ, वो पूरा कर लिया। एक्चुअली में क्या था, वो गमछा रखे हुए, वो मतलब ऊपर बांध दिए थे गमछे, तो उसके चक्कर में बच गए थे, ताकि वो टाइगर गमछा पकड़ा, वो सोचा कि मतलब मैंने सिर लेके जा रहा हूँ, गमछा लेके चला गया, दादाजी पे पकड़ ले गए वो एक्चुअली में क्या हुआ, वो किल किया हुआ था टाइगर वहाँ पे, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे किल किया हुआ है वो, तो उन्होंने फिर वो टाइगर के पास चले गए। अच्छा, तो वो टाइगर ने सोचा कि मुझे मतलब अटैक करने आ रहा है। अच्छा, तो टाइगर फिर वो टाइगर ने उस उनके ऊपर अटैक कर दिया। फिर अच्छा हुआ उन लोग के साथ मतलब उनके और साथी लोग थे जो मतलब और आते थे साथ में चलाने के लिए भैंस, वो लोग थे, उन लोगों ने फिर बचा लिया उनको। इसी रोड पे? हाँ, इसी रोड पे, यहीं पे सामने, यहीं पे जी। सर मतलब वो काम लाटे थे ना, गाँव अपना आ ही गए। अच्छा, गाँव के अंदर इंटर कर गए हम लोग? गाँव के अंदर इंटर करते, टाइगर भी गाँव के अंदर घुस जाता है। अच्छा, कुछ है अभी जैकल है, जैकल है, जैकल जा रहे हैं। ये उसको देख लो, ये जैकल जा रहा है। यहाँ तो क्या कुछ है नहीं, यहाँ पे भी टाइगर ज़्यादा चांसेस रहते हैं सर। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे अक्सर ऐसा हुआ है कि मतलब ऐसे मवेशी यहाँ पे रात में घूमने के लिए, कैसे कोई के मतलब अगर गेट खुला हुआ है, मवेशी बाहर आ गए तो टाइगर ने यहाँ तो भाग ले गया। अच्छा जी, बहुत बार ऐसा अक्सर हुआ है जी। बताओ टाइगर अगर आ रहा है अटैक करने, चुप रहना चाहिए या चिल्लाना चाहिए? मतलब अटैक करने अगर आ रहा है तो तब भी हल्ला करो, हल्ला करो जी, बहुत मतलब अच्छा तेज से हल्ला करो, डंडा बजाओ, ये सब कुछ हाँ। तो छोड़ के जा सकते, अगर कोई उसने कुछ नहीं किया तो अपन को भी कुछ नहीं करना है। गढ़पुरी गाँव आ गए दोस्तों, अभी हम गढ़पुरी गाँव के अंदर देखिए इंटर कर गए हैं। सब घर ऐसे घेरे गए हैं, आप दोनों साइड से देख रहे हो, मतलब जंगल के बीच में कोर एरिया के बीच में पड़ता है। हाँ, तो ये गांव जो है ये एक तरह से कोर एरिया के बीच में है, इसलिए आप देखिए दोनों तरफ से घेरा गया है, अपने घर घर को लोग ने घेर रखा है ताकि टाइगर छलांग मार के अंदर ना आ पाए, वरना गाय वगैरह को उठा ले जाते हैं, कभी कभी इंसान को भी उठा के ले जाते हैं। उससे ज्यादा खतरनाक इलाका ये वाला, उससे भी खतरनाक है ये यार, रूट बहुत खतरनाक है यार ये तो, रूट नहीं, रूट तो थोड़ा बहुत खतरनाक पड़ेगा ये तो यार, ऐसे जगह खतरनाक है ये तो, से भाग भी नहीं सकते इसमें तो। नहीं, वो तो फिर मैं ड्राइवर एक्सपीरियंस वाला हूं सर। हां जी, पर कुछ भी हो सकता है किसी के साथ। हाँ, यहाँ पे मतलब किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते कि मतलब बच के आ सकते हैं। हाँ, ये तो एक दिल को, यहाँ पे सिर्फ ये है कि पुराने लोग होना चाहिए, ड्राइवर जो है फुल एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए,
रात में, खासकर नाइट सफारी में। हाँ, लेकिन फिर भी मतलब ये दिल को सांत्वना देने वाली बात हो गई, लेकिन हो सकता है कुछ भी। हाँ, आगे पीछे से नहीं बोल सकते। हाँ, कुछ हो सकते। ये वाला इलाका सर यहाँ पे बहुत ही खतरनाक है, ये इलाका जो इलाका अभी गुजर रहे हैं। अच्छा जी, ऐसा क्यों? यहाँ पे अक्सर रात हो या दिन हो आता रहता है टाइगर। टाइगर यहाँ पे तो यार बालू में है, ऐसे तो गाड़ी ऐसे ही नहीं चलेगी साला। टाइगर हरदम अक्सर रात में यहीं से चांसेस रहते हैं बहुत बार देखने के लिए भी टाइगर जी। दोस्तों ये काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस हम ले रहे हैं अभी बांधवगढ़ नेशनल पार्क के अंदर। ये जीवन का समझिए कभी नहीं भूलने वाला पल है। ये ऐसा पल आप कभी नहीं भूल सकते यार। आप 70 साल के हो जाओगे फिर भी ये चीज़ नहीं भूल सकते हो कि आप बांधवगढ़ नेशनल पार्क में जाकर इस तरीके का एक राइड आप लिए हो। ये भूलने वाली चीज़ ही नहीं है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। कहाँ से टाइगर निकलेगा कोई कुछ नहीं जानता जी। दोस्तों अभी स्थिति ऐसी है कि बस इच्छा हो रहा है कि कब इससे कोर से मैं कब बाहर निकलूँ, ऐसी नौबत आ गई। भाई साहब मजाक नहीं है यार ये। चलो फाइनल रोड पे आ गए हम लोग। हाँ जी, रोड पे आ गए ना जी सर।